जय हिंद दोस्तों। तो साथियों, इस सेशन में हम आपको बताएंगे हमारे जो तमाम क्वेश्चन रह गए थे नेशनल इंटीग्रेशन में। तो हमने पार्ट वन दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे जो तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी नेशनल इंटीग्रेशन में जो आपके कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बताऊँ तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये, व्हाट आर द मेजर इंडियन रिलीजन्स एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी भारत में कौन कौन से जो रिलीजन्स रहते हैं यानी धर्म के लोग रहते हैं और उनकी वर्तमान में यानी भारत में उनकी पॉपुलेशन कितनी है परसेंटेज में, हमें वो बताना है। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, तो ठीक है ध्यान रखना। हमें पता होगा कि हमारे जो भारत में कितने रिलीजन्स रहते हैं, बहुत, क्योंकि भारत जो है अनेकता में, मतलब विभिन्नताओं में हमें एकता है ना, ये कह सकते हैं कि विभिन्नताओं में भी एकता है और अनेकता भी, अनेकता इसलिए क्योंकि वहाँ पर कल्चर डाइवर्शन भी पाए जाते हैं, ठीक है। एकता ये कि इतने धर्म के लोग एक साथ मिलकर भारत में रह रहे हैं, इसलिए विभिन्नताओं में एकता और विभिन्नताओं में अनेकता भी है। ओके, तो दोस्तों हमें पता है कि भारत में इंडो या जो है हिंदू रिलीजियस यानी जो हिंदस है यानी जो हिंदुस्तानी या हिंदू अपने को मानते हैं, तो उनकी बात करें तो दोस्तों जो संख्या है भारत में 100% यहाँ ओवरऑल है सबके हिसाब से, तो 100% बात करें तो 100% में से दोस्तों उसमें से भारत में जो हिंदू लोग हैं है ना, वो है दोस्तों कितने, 83.5, ठीक है 83.5। बात करें दोस्तों मुस्लिम कितने हैं भारत में, तो ध्यान रखना 10.7% भारत में मुस्लिम है। ओके, बात करें क्रिश्चियन कितने हैं भारत में, तो क्रिश्चियन दोस्तों भारत में है 2.44%। यहाँ थोड़ा मैं बताऊँ कि जो क्रिश्चियन जो शुरुआत हुई थी ना, जब ब्रिटेन में जो हमारा चार्टर एक्ट था तीसरा, यानी 1833 में जब तीसरा चार्टर एक्ट आया था, तो उसमें जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मोनोपोलो राइट थे ना, मतलब हटा दिया गया, मतलब पूरी तरह बैन हो गए थे वो। तो उस समय जो ब्रिटेन की जो कंपनियाँ थी, मतलब और भी वहाँ के लोग थे, रिलीजियस थे, वो भारत में आके अपने धर्म का दोस्तों प्रचार कर सकते थे। तो ऐसे में दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटेन यानी क्रिश्चियन की। तो ध्यान रखना क्रिश्चियन का भारत में जो परसेंटेज है 2.44 है। बात करूँ सिख यानी जो पंजाबियों का है, वो दोस्तों 1.79 है। और ज़्यादातर मोस्टली आपको पता है कि पंजाबी जो लोग पाए जाते हैं कहाँ पर है, पंजाब में तो पाए ही जाते हैं, मतलब अदर हर स्टेट में मिलते हैं। लेकिन अगर विदेशों की बात करें तो कौन से जो कंट्री में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा कनाडा में है ना। बात कर ले जो अगली जो मतलब कह सकते हैं कि जो पाए जाते हैं रिलीजियस, वो है दोस्तों बुद्धिस्ट यानी जो बुद्ध होते हैं है ना, उनकी 0.74 होती है। जैनिज्म के कितने पाए जाते हैं, 0.46। और अदर्स यानी जिनको धर्म ना मतलब नहीं लेकिन लोग है उनका भारत को नागरिकता प्राप्त है, तो उनकी अगर बात करें परसेंटेज इतनी है तो 0.37। ये दोस्तों मोस्टली पूछा जाता है, तो आपको रटना भी चाहिए इन चीज़ों को क्योंकि ये एक्चुअल डाटा होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट नॉट कंट्रीब्यूट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल कंस्ट्रक्शन, यानी अगर हम भारत को अपने बढ़ाए यानी अपने भारत को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट नॉट कंट्रीब्यूट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल कंस्टिट्यूशन, यानी राष्ट्र निर्माण के हित में हम क्या ना करें में योगदान, यानी अपने भारत के राष्ट्रीय निर्माण करना है, डेवलप करना है, तो हमें उनमें जो योगदान करना है किन चीज़ों का नहीं करना है, योगदान तो करना है लेकिन उन चीज़ों को क्या हमें अवॉइड करना है। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, तो पहला अगर भारत का दोस्तों विकास करना है एक अच्छे मतलब कंट्री के रूप में, तो दोस्तों जो भारत में डोगरी सिस्टम है ना उसको मतलब लेने से मना करना होगा। जितने भी जो लड़के वाले होते हैं शादी में मोस्टली दहेज प्रथा ही होती है, आपको पता होगा, बट इसका कोई ऐसा क्लू नहीं है कि कब से स्टार्ट हुई है। ओके, तो दहेज प्रथा को ना ले तो दोस्तों एक राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान रहता है, वो NCC के कैडेट होते हैं। अच्छा, दूसरा दोस्तों बात करें कि जो क्या नहीं करना चाहिए हमारे मतलब राष्ट्र निर्माण के योगदान में, तो अवैध यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे बॉय हो या गर्ल्स हो, तो उनको मतलब अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए अपने पेरेंट्स के बिना परमिशन में। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि वो भी एक राष्ट्र निर्माण के हित में ना करने का योगदान होता है। तीसरा दोस्तों रिश्वत ना लेना, चाहे आप कोई भी पोस्ट पर चले जाओ तो रिश्वत तो बिल्कुल भी ना लो, ठीक है। अगला है दोस्तों नशीले पदार्थ पे दवे, जो भी दवाएं का सेवन ना करें, जैसे कुछ इंजेक्शन भी लेते हैं, ड्रग्स भी लेते हैं नशीले पदार्थ, तो कौन कौन या कोकोलोल ऐसे भी ये चीज़ें होती हैं है ना, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को बिल्कुल भी सेवन नहीं करना होता है। लास्ट करें तो भ्रष्टाचार ना करें, तो ठीक है करप्शन भी ना करें, यही राष्ट्र निर्माण के हित में होता है कि क्या नहीं करना चाहिए अपने राष्ट्र निर्माण के हित में। तो ध्यान रखना भ्रष्टाचार भी नहीं करना चाहिए, करप्शन भी नहीं करना चाहिए, चाहे हम कोई सी पोस्ट में हो। जब भी दोस्तों अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया ना भारत में, इसमें भ्रष्टाचार इतना है कि तमाम संख्या पूछो मत, दिन पे दिन चोरी चकारी इतनी घपाला, ये सब भ्रष्टाचार ही है। बात करें अगला है सामाजिक असामाजिक तत्वों से दूर रहें। असामाजिक तत्वों का मतलब दोस्तों
कुछ ऐसे दोस्तों आंदोलन जो बोलते तो है कि पीसफुल होते हैं, लेकिन उन आंदोलनों में असामाजिक तत्व मतलब असामाजिक तत्व में शामिल नहीं होना है कि वो आंदोलन क्या एक विकराल रूप ले ले और वो भारत की राष्ट्रीयता के लिए दोस्तों खतरा बन जाए। ठीक है, किसी की भी हेल्प, अभी आपने सुना होगा कि जो दिल्ली में जो ईरान एम्बेसी है उसमें आप परमाणु बम ले गए, तो उसमें कुछ दोस्तों वो जो वहाँ उन्होंने रखे थे तो यही बोल सकते कि आप ये रख दो, यानी उससे जुड़ गए ना, इसलिए असामाजिक तत्वों से हम दूर भी रहे। अगर असामाजिक तत्व हमें पता भी चल रहा है कि कुछ एक्टिविटी हो रही है तो देन हमें तुरंत पुलिस स्टेशन से बता देना चाहिए। ओके, बात कर लेते हैं दोस्तों बच्चों से श्रम, यानी जो बाल मजदूरी ना करवाए बिल्कुल भी, ये भी हमारे राष्ट्रीय हित के निर्माण में ना करो में योगदान में आता है। ओके, बच्चों से बिल्कुल भी बाल मजदूरी ना करें। कहा भी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि 14 साल से जितने भी कम आयु है उनसे बिल्कुल क्या बाल मजदूरी ना कराएं। अगला है पिछड़े वर्ग लोगों का शोषण ना करें। पिछड़े वर्ग लोगों का मतलब दोस्तों कि मतलब जो अशिक्षित हैं वो शिक्षित नहीं हो पा रहे अपने रिसोर्सेज के कारण, तो उनका शोषण नहीं करना चाहिए। ओके, उनकी हेल्प करनी चाहिए बल्कि, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी राष्ट्रीय एकता के मूल तत्व। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो मतलब राष्ट्र यानी जो नेशनल इंटीग्रेशन में जो हिंडिग्रेंस यानी जो बाधाएं आते हैं ऑब्स्टिकल आते हैं वो कौन कौन से हैं, यही आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम इन्हें सही पॉजिटिव वे में कर दें तो दोस्तों ये क्या हमारे देश के काम आ जाएंगे। ठीक है, यानी आज मैं अपने देश के लिए गलत चल रहा हूँ और मेरे में कोई पढ़ाई शिक्षा आ गई और मैं समझदार हो गया कल के लिए, कल तो बेकार था और लेकिन आज, लेकिन वही हो गया ना, मैं ही था कल भी और आज भी, लेकिन क्या मेरे में चेंज आ गए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया। देन दोस्तों ऐसे ही व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी राष्ट्रीय एकता के लिए कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना दोस्तों भाषा है ना, कास्टिज्म, एजुकेशन है ना, कम्युनलिज्म और रिलीजन्स, तो ये ध्यान रखना, ये सभी तमाम दोस्तों जो हमारे राष्ट्रीय एकता के मूल तत्व हैं, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं व्हाट टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल कंस्ट्रक्शन, यानी राष्ट्रीय निर्माण में दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय निर्माण के अगर हित में हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब पूछा गया है कि व्हाट टू डू इंटरेस्ट ऑफ नेशनल कंस्ट्रक्शन, यानी राष्ट्रीय निर्माण के हित में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही आप नॉर्मल लिख सकते हो, बिल्कुल ही आप माइंड में क्लियर हो जाएगी पिक्चर, बट मैं आपको एक बार फिर भी यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या दोस्तों हमें करने चाहिए अपने देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, क्या नहीं करने चाहिए मैंने आपको बता दिया अभी, लेकिन अब क्या करने चाहिए। तो दोस्तों पहला जो है माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों बात करें वृद्ध यानी जो बूढ़े होते हैं पीपल, उनको लोगों को दोस्तों सड़क पार कराना, ये तो आपने देखा ही होगा कि सोशल वर्क की है ना। तीसरा दोस्तों बात करें जो छोटे भाई बहन हैं घरों में, उनको दोस्तों एक अच्छे मतलब सिटीजन या कोई एक नागरिक, देश का अपना नागरिक होने के लिए दोस्तों हमें उन्हें क्या प्रेरित करें, यानी एक अच्छी शिक्षा दें। ठीक है, अगर आप अच्छे शिक्षित हो, एजुकेशन है आपके पास, तो उन्हें शिक्षा दीजिए ताकि आप भी वो भी अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें। ओके, बात करें अगला तो सड़क नियमों का पालन करें। ठीक है, सड़क नियम यानी रेड लाइट पर रुके, और अभी दोस्तों स्कीम भी चली है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि गाड़ी ऑफ यानी रेड लाइट ऑफ गाड़ी ऑफ ना, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों बात कर रहे थे अधिक वृक्षारोपण, यानी जो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ताकि हमें पता है कि जो हमारा जो हमें श्वसन लेने की जो ऑक्सीजन हिलेर करते हैं वो बेसिकली हम वृक्षारोपण यानी उनके द्वारा जो ऑक्सीजन दी जाती है उनके ही द्वारा दोस्तों हम ऑक्सीजन लेते हैं, देन हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगला बात करें तो सरकार का को समय पर टैक्स दे, है ना, ये भी ध्यान रखना। अगला बात करें पिछले वर्गों की मदद, हमने अभी पिछले वाले में पढ़ा था कि क्या नहीं करना चाहिए, तो पिछले वर्गों की हमें शोषण नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या पिछले वर्गों की हमें मदद करना चाहिए, लेकिन इंटरकनेक्ट है। अगले बात करें जो हमारे नेचुरल और जो अन्य यानी जो मानव रहित जो आपदाएँ डिजास्टर होते हैं उनके लिए क्या हमें NCC वालों को क्या तैयार रहना चाहिए, कब कुछ बुला ले, बटालियन से बुला ले आपके, तो ये सभी तमाम हमें क्या एक्टिव करते हैं राष्ट्र निर्माण में पार्टिसिपेट करने में। अगला दोस्तों असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस को, जैसे मैंने बताया था कुछ भी मतलब ऐसे टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हो तो आपको दिख रहा है कि हाँ कुछ होने वाला है बड़ा, तो आप तुरंत वहाँ के जो लोकल जो स्टेशन है पुलिस स्टेशन उनको इन्फॉर्म करो। आगे बात करें तो देश का विकास में योगदान, यानी आप अगर देश में हो तो देश में ऐसे नहीं है कि खाली बैठो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, जैसे कुछ इंडस्ट्रेशन खोला हो, अपने इंडस्ट्री खोली हो, कुछ गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हो, यानी क्या राष्ट्र निर्माण के योगदान। और राष्ट्र निर्माण का योगदान हमें पता है कि हम जो भी कमाते हैं हमारी नेशनल इनकम यानी जो GDP है उससे हमारी दोस्तों डेवलप होता है हमारा देश और आगे पहचाना भी जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट भी है ध्यान रखना, हर क्वेश्चन पूछा जाता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिलोंग टू, यानी जो यहाँ पर तमाम यहाँ पर दे रखा है कि जो भी गुफाएँ, लोरा गुफाएँ, मंदिर स्वर्ण, ये कौन कौन से स्टोर से यानी जो स्टेट्स होते हैं उनसे बिलोंग करती है। ऐसे तो नहीं दोस्तों मैंने जो यहाँ लिखाया है कि यही पूछे जाते हैं, हाँ ये रिपीटेड है, ये पूछे जाते हैं, लेकिन इससे कनेक्टेड आपको कुछ, ये तो आप नॉर्मल है कि इन चीज़ों को पता रहता है, ठीक है। तो पहला दोस्तों आप बात करी जाए तो हरिद्वार कहाँ पर है, आपको सभी को पता होगा, उत्तराखंड में है, ओके। सारनाथ, सारनाथ की जो सारनाथ कहाँ पर है आपको पता है, यूपी, इसका भी आप ध्यान रखना। अमरनाथ की गुफाएं दोस्तों जम्मू कश्मीर में, और आपको अभी पता है कि जम्मू कश्मीर दोस्तों अब स्टेट, यानी जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था वो अब नहीं रहा है, लेकिन अब क्या दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन कौन सा आपको पता होगा, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, जम्मू लद्दाख और जम्मू, और दोस्तों ये दोनों स्टेट नहीं होकर यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो 6 काल का पीरियड था वो दोस्तों कितना हो गया, 5, जो नॉर्मल हर स्टेट का है। तो ध्यान रखना कब हुआ था ये, 31 दिसंबर 2019 के बाद, ओके। अगला बात करें तो एल्लोरा और अजंता, एल्लोरा और जो अजंता दोस्तों काफ़ी फेमस है, यूनेस्को में भी शामिल है। तो ध्यान रखना जो एल्लोरा, जो बात करें कि अजंता गुफाएं कहाँ हैं, मुंबई में, मुंबई में भी एक चीज़ ध्यान रखना कि मुंबई में दोस्तों एक औरंगाबाद है, ओके, औरंगाबाद, औरंगाबाद में दोस्तों ये यहाँ पर है, औरंगाबाद में, इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि मुंबई में औरंगाबाद, औरंगाबाद में स्थित है। और ध्यान रखना दोस्तों अभी हाल ही में अगर बताऊं तो जो मुंबई की जो सरकार है ठाकरे जी की, ठाकरे जी ने दोस्तों क्या औरंगाबाद को ना उसमें संभाजी नगर में चेंज करने की अपील करी है, संभाजी नगर, यानी जो प्राचीन हिस्ट्री में बात करें तो उसको जो यानी जो औरंगाबाद है वो संभाजी नगर था, तो इसलिए बात कही है कि जो औरंगजेब को संभाजी नगर में चेंज करने के लिए, ओके। अब बात कर लेते हैं स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर तो आपको पता होगा यानी सोने का मंदिर, तो पंजाब, और यही कारण था जब जो इंदिरा गांधी है हमारी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, तो वही उनका रीजन था, मतलब जो उनके जो अंगरक्षक थे यानी जो बॉडीगार्ड थे उनकी इंदिरा गांधी को मारने के लिए, उनका ही योगदान था। तो उसमें क्या होता था, कहानी बताऊं तो दोस्तों आपको ज़्यादा पता नहीं बताऊं कि उसमें जो इनके द्वारा यानी इंदिरा के द्वारा जो आर्मी थी मंदिरों में भेज दी, क्योंकि उस समय वहाँ के जो भी गर्मपंथी या नरमपंथी वाले लोग थे उसमें शामिल हो गए थे, मतलब उसमें घुस गए थे, तो उनको बाहर निकालने के लिए दोस्तों क्या आर्मी वाले बिना जूते मतलब ऐसे चले गए, तो उनको विरोध समझा कि ये ऐसे चले गए, तो ऐसे में दोस्तों उनके अंगरक्षक यानी उनको अपमान लगना, तो अपमान लगा तो दोस्तों उनके जो अंगरक्षक थे इंदिरा गांधी के उनके द्वारा ही वहीं पर उनके हाउस में उन्हें मरवा दिया गया। बात कर ले दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ पर है, मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में है। भांगड़ा नृत्य, भांगड़ा डांस यानी जो है पंजाब में, ध्यान रखना दोस्तों भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा भी दोस्तों कहाँ पर है, पंजाब में है, पंजाब में है। बात करूँ कि दोस्तों अगर जो डांडिया है वो कहाँ पर है, गुजरात में प्रसिद्ध है ना, ये तो ध्यान रखना। कुछ त्यौहार है डांडिया जैसे छऊ बिहार में है ना। बात करें पोंगल तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु में है, इन त्यौहारों को भी थोड़ा ध्यान रखना आप। अब है दोस्तों हजरत बल दरगाह, यानी जो हजरत बल दरगाह है कहाँ पर है, तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में। दरगाहें पूछ भी ली जाती है, जैसे जो अकबर की वो हिमायूं की दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में, आपने पता होगा हिमायूं का मकबरा वहीं पर है इसकी भी, ठीक है। बात कर ले कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा दिल्ली में कुतुब मीनार का। दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ कुतुब मीनार का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने कराया गया था, तो ध्यान रखना दोस्तों कुतुबिन ऐबक, ठीक है। तो हु इज़ द कुतुबिन ऐबक, तो ध्यान रखना इज़ द फर्स्ट गुलाम वंश, यानी हु इज़ द फर्स्ट फाउंडर ऑफ गुलाम वंश, यानी दिल्ली, हु इज़ द फर्स्ट फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमें जो गुलाम वंश है यानी है ना, तो ध्यान रखना कुतुबिन ऐबक ने दोस्तों क्या था, जो कुतुबिन मीनार का तो दोस्तों शुरुआत हुई थी, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों, पोलो, पोलो खेल के, पोलो यानी उसे चौहान कहते हैं, पोलो का मतलब दोस्तों आपने देखा ना घोड़ों पर जैसे वो हॉकी से लेके मारते हैं, वो अलग खेल खेल रहा था तो उससे मृत्यु हो जाती है, लेकिन तो ये एक ही मंजिल बना पाया था क्या कुतुब मीनार की, तो जो आगे जो मंजिल बनाई थी टोटल, उसके बाद दोस्तों इसका जो अगला शासक आया था नेक्स्ट रूलर वो आया था दोस्तों कौन, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था, लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इसको पूर्ण रूप से जो बनवाया था वो दोस्तों तुगलक वंश का जो मोहम्मद तुगलक है, फिरोजा तुगलक, तो उसने बनवाया था, ठीक है ध्यान रखना, फिरोज तुगलक, तो फिरोज तुगलक ने दोस्तों इसका अंतिम निर्माण कराया था, लेकिन शुरुआत दोस्तों कुतुबिन ऐबक ने कराई थी, ठीक है ये ध्यान रखना। अब है दोस्तों नलाला वर्मन, तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ओके ध्यान रखना। अब वृंदावन उद्यान, अगर आप वृंदावन आप थोड़ा
रिजोर्ट भी रहोगे, वृंदावन जो बेसिकली कृष्ण जी का यूपी में रहा है, तो ध्यान रखना वृंदावन उद्यान दोस्तों जो कन्फ्यूजन पूछता है ध्यान रखना कर्नाटक में है। ओके, चार मीनार तो आपको पता ही होगा गुजरात में है। ओके, माछारी छैमो कैछा मछो मतलब वहाँ की जो लैंग्वेज है गुजराती तो वो है ना, ये है। तो आप इसको ध्यान रखना, आप ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल और भी कुछ पूछा जा सकता है। अगर वो आपको दोस्तों याद करना है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ पर जा सकते हो आप, तमाम देखे हो नीचे तो वहाँ पर दोस्तों कितनी सारी मतलब प्लेलिस्ट है ट्रिक के बिहार पर, चाहे नेशनल पार्क हो चाहे कोई फेमस स्थल हो या कुंभ के मेले कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, जंतर मंतर कहाँ पर है, तो आप सभी तमाम वो हमारे जो चैनल है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अक्सर जो नेशनल इंटीग्रेशन में फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछता है, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी मतलब नेशनल इंटीग्रेशन में जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं उन फ्रीडम फाइटर के जो भी मतलब स्लोगन या कोई नारे रहते हैं किसी को प्रोटेस्ट करते हुए, तो वो भी सभी तमाम पूछे जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बट फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिकल के तौर पर लिख दिया है कि ये तो पूछे जाते हैं, बट हमें थोड़ा अपना एक जनरल नॉलेज जो जनरल अवेयरनेस का भी थोड़ा हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनसे ही फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं नॉर्मली। ओके, तो ऐसे पूछे जाते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नॉर्मली सब बच्चों को PM यानी प्रधानमंत्री का तो पता रहता है, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं पता रहता। तो ध्यान रखना भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है वो दोस्तों कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर बात करें कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो दोस्तों ध्यान रखना नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। ओके, दूसरा बात करें कि जैन धर्म की जो स्थापना है ना, तो ध्यान रखना इसको महावीर ने शुरुआत की थी जैन धर्म की। और बौद्ध धर्म की दोस्तों आपको पता होगा गौतम बुद्ध की। ओके, जहाँ पर लुम्बिनी में उनका क्या निवास स्थान था स्थान। बात करें अगले विजयनगर, आपने विजयनगर साम्राज्य तो पढ़ा होगा जो दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध राजा, ऐसा नहीं है कि जो प्रसिद्ध राजा मतलब एक ही है, ऐसे कई ही में उसमें दोस्तों क्या बोलते तमाम ने काम किया है, लेकिन जो विजयनगर का आखिर में साम्राज्य प्रसिद्ध राजा माना जाता है वो कृष्णदेव राय को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने सोशल वर्क के साथ साथ अपने प्रशासन को एक अच्छी व्यवस्था का रूप भी दिया, उसमें जो भी क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। और हमें पता है कि जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोस्तों हमारे क्या यानी जो भी प्राचीन समय में जो भी हमारे राजाओं या जो भी पूर्वजों के द्वारा उन चीज़ों को घटित किया गया है, तो वो सभी चीज़ें हम अपनाते हैं। लेकिन जो विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों क्या है सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है कृष्णदेव राय, क्योंकि इसके द्वारा ग्रंथ महाभाष्य ग्रंथ को ग्रंथनामा हमें उसमें वो इंट्रोड्यूस करा था इन्हें। और हमें आपको पता होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों दो व्यक्तियों ने करी थी, हरिहर बुक्का ने है ना, हरिहर और प्लस बुक्का ने, कि दोनों भाई है थोड़ा ध्यान रखना। और इनके द्वारा सबसे पहले दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में अपने डैडी यानी अपने पापा का जो इनका नाम था क्या संगम, उनके इन दोनों के द्वारा अपने पिताजी के नाम पर ही क्या विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना संगम वंश बेसिकली इनके पापा का नाम था। तो संगम जो वंश की जो राजधानी बनाई थी विजयनगर, वो दोस्तों किसने बनाई थी, बुक्का ने, थोड़ा ध्यान रखना है ना। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो बुक्का की जो पत्नी है ना गंगा देवी, तो क्या होता है कि मैं बताऊँ यहाँ पर, जो बुक्का की जो पत्नी है यानी बुक्का का एक लड़का था, तो उसके लड़के ने ना क्या मतलब वो बात करे तो उसकी जो बेटी था उसने क्या मदुरे में जो विद्रोह चल रहा था उसको जीत लिया था। तो ऐसे में दोस्तों जो बात करें कि बुक्का का जो बेटा था उसकी जो पत्नी थी कौन, गंगा देवी। तो गंगा देवी ने क्या कि ऐसा मतलब पति जी आपने तो मतलब वो मदुरे को जीत लिया, तो वो कहती है कि मैं आप पर बुक लिखूंगी, मतलब आपके जो इतना साहस किया जीतने के लिए मैं आप पर बुक लिखूंगी। तो उसने एक बुक लिखी थी क्या मदुरे विजयम, तो इसको ध्यान रखना है ना मदुरे विजयम। तो यानी बुक्का का एक लड़का था, उसकी पत्नी का नाम था गंगा देवी उसने, और जो उसका बुक्का था लड़का ऐसे नाम, ठीक है, उसको ध्यान रखना कि उसकी जो पत्नी है गंगा देवी ने उसके जो उपलक्ष में जो जीता था मरुदे, उसको मरुदे विजयम की उनने क्या किताब लिखी थी है ना। भारत विश्व का सबसे प्राचीन यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम स्थल है, ध्यान रखना भारत में है सिंधु घाटी सभ्यता लेकिन विश्व में नहीं है। विश्व में जो सबसे पुरानी मानी जाती है वो मेसोपोटामिया मानी जाती है जो मिस्र की है, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1885 में है, लेकिन ये ध्यान रखना कि किसने की है, तो दोस्तों सर एओ हुम। क्यों की गई थी आपको मैं थोड़ा बताऊं कि जब
ब्रिटेन को, मतलब ब्रिटेन वाले लोग थे उनको ये घटकने लग गया कि भारतवासी थे, मतलब इतने धर्म में विश्वास रखते थे लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं समझ पा रहे थे कि ब्रिटेन लोग आखिर भारतवासी चाहते क्या हैं। तो ऐसे में दोस्तों भारत में कुछ प्रमुख नेताओं को दोस्तों एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वहाँ पर बिठाया गया। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं जनता के बीच में जाए और जनता के बीच में बातें सुने और तमाम बातें दोस्तों सुन के कहाँ पर अंग्रेज़ों को बताएं। तो ऐसे में दोस्तों अंग्रेज़ों के द्वारा ही एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, इसलिए 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। ठीक है, सिंध ग्रंथ का सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब थोड़ा ध्यान रखना है ना। और बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था दोस्तों, 1942 में चला था। किसके द्वारा चलाया था? महात्मा गांधी के द्वारा, यानी जो इंडिया क्वाइट मूवमेंट है। अगला करें तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा? बंकिमेंद्र चटर्जी। और दोस्तों राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक देश का और दोस्तों क्या राष्ट्रगान लिखा था, तो आप वो सभी तमाम ना कमेंट बॉक्स में बताना कि किस देश का और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या राष्ट्रगान लिखा था। मैं बता देता हूँ कि जो राष्ट्रगान था उसका नाम क्या था, आओ हमारे बांग्ला, इतना बताता हूँ, लेकिन ये बताना कि है किस देश का राष्ट्रगान ये। बात कर ले दोस्तों अगला, भारत की आज़ादी की प्रथम लड़ाई दोस्तों हुई थी 1857 में। ये तो भारत की प्रथम आज़ादी हुई थी, मतलब लड़ाई हुई थी, बट अंग्रेज़ों का मानना ये था कि ये कोई मतलब भारत में आज़ादी की लड़ाई नहीं थी बल्कि एक ये सैनिक विद्रोह था आपसी। तो ब्रिटेन कहते थे हमने ये इन्हें दबा दिया, तो एक मत कह सकते कि आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, एक सैनिक विद्रोह था जो इनको हमने दबा दिया। तो जब 1857 की दोस्तों ये मतलब लड़ाई हुई थी, तो 1858 में दोस्तों एक एक्ट आया था, इंडियन गवर्नमेंस एक्ट ऑफ 1858। तो है ना, एक्ट आया था कौन सा? इंडियन गवर्नमेंस एक्ट ऑफ 1858। तो इसमें दोस्तों जो वहाँ की रानी थी, रानी के द्वारा जो भी भारत में गवर्नर जनरल पद था उसको दोस्तों हटा के दोस्तों वायसराय में चेंज कर दिया और भारत में दोस्तों वायसराय पद की स्थापना हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज वीडियो में इतना ही और आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी जो हमारे कुछ तमाम क्वेश्चन जो एक दो रह गए या जो पूछे जाते हैं वैसे कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप मेरे इंपॉर्टेंट लगेगा कि एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, तो एक बार मैं अच्छे से दोस्तों आपको कल बता दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही रहने देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें। अपना जो भी सजेशन या सुझाव रखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलती रहे तो दोस्तों आप तक तुरंत मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।